अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आइनोफोर के बारे में। तो अभी जब आपने डिफ्यूजन पढ़ा कि चलो ठीक है प्रोटीन के थ्रू होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, लेकिन कुछ स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये आपके प्रॉपर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है या फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिक नहीं होते, ये मूवेबल आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक स्थान से या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइनोफोर। ठीक, अब नाम से पता चल रहा है आइनोफोर मतलब कि आयन को बाइंड करेंगे, शील्ड करेंगे, और इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन आपके आइनोफोर के थ्रू होता है। तो वो ही डेफिनेशन है कि सबसे पहले ये स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिपिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है एक चीज। अब ये क्या करते हैं, ये मेटल आयन्स जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनसे बाइंड करते हैं, मतलब जो आपके आयन्स है उनके चारों तरफ शील्ड कर लेंगे, चारों तरफ प्रॉपर कवरिंग कर लेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जो आयन्स हैं वो विदाउट प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट नहीं होते। तो इसीलिए आइनोफोर जो है वो डायरेक्टली आपके जो आयन सोडियम एंड पोटेशियम उनसे बाइंड करेंगे और उनकी परमेबिलिटी को करते हैं इंक्रीज, साथ ही साथ ये मूव करेंगे आपके डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बाइलेयर। तो मतलब ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये काम कैसे कर रहे हैं, आयन्स का मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, डाउन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेजिस्टेंट अगर आप इनका कहें तो नहीं होता है, ये मूवेबल है। Require energy to move ion across the membrane. अब ये वाला जो statement है और जो अभी मैंने आपको second, third statement बताया, वो आपको लग रहा होगा शायद अगर ध्यान से सुन रहे होंगे कि contradictory है, लेकिन ये contradictory नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि ये जो ions हैं, जो आपके sodium है, आपके potassium ion है, इनको हम down to the concentration gradient लेके आएंगे, लेकिन जो आपके आइनोफोर हैं, जो ये आयन है इनके चारों तरफ जो शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, ये जो आपके ये कहलाते हैं आइनोफोर, लेकिन इन आइनोफोर को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आइनोफोर के मूवमेंट्स के लिए एनर्जी की जरूरत है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है रिक्वायर एनर्जी टू मूव द आयन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आइनोफोर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। स्टिल ये जो रिएक्शन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की रिएक्शन है, ये अगेन आपकी कैसी है, एनर्जी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सोडियम और आपके कैल्शियम आयन नहीं एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है, आइनोफोर कर रहा है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंट ही होगा, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो आइनोफोर के मूवमेंट्स के लिए है। ये आपके रिवर्सिबल बाइंडिंग को शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि आयन जैसे अगर आउटसाइड से इनसाइड लेना है, सिंपल उसको शील्ड करेंगे, कवर करेंगे और इनसाइड छोड़ देंगे, तो रिवर्सिबल होगा, तभी जाके ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। आइनोफोर क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, जो आपके चार्ज्ड आयन रहेंगे और इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके हाइड्रोफोबिक जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है वहां से। ये दो तरीके के हो सकते हैं, टू टाइप्स के आइनोफोर हो सकते हैं। एक तो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल आयन कैरियर, जिसका एग्जांपल है वेलिनोमाइसिन एंड 823187। तो जो आपका वेलिनोमाइसिन है वो के प्लस आयन या पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, वही पर आपका 823187 कैल्शियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और ये दोनों के दोनों कहते हैं मोबाइल आयन कैरियर है, मोबाइल आयन कैरियर। सेकंड जो है, सेकंड आइनोफोर आपके चैनल फॉर्मर हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ग्रामिसिडीन, जो आपकी सोडियम एंड प्रोटोन एच प्लस आयन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइनोफोर आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, इनका काम क्या है, जो आयन्स है उनको शील्ड करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कराना। ये दो तरीके के हो सकते हैं, मोबाइल आयन कैरियर एंड चैनल फॉर्मर। अगर मोबाइल आयन कैरियर की बात करें तो वेलिनोमाइसिन है, 823187 है,
वेलिनोमाइसिन पोटेशियम के लिए है, 823187 आपका कैल्शियम के लिए है। चैनल फॉर्मर की बात करें तो ग्रामिसिडीन इसका एग्जांपल है, जो आपके सोडियम एंड प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब देखिए वेलिनोमाइसिन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो ये जो वेलिनोमाइसिन है ये आपका डोडेकाडेप्सीपेप्टाइड है। डोडेकाडेप्सीपेप्टाइड मतलब क्या होता है, इसमें 12 अमाइनो एसिड रेसिड्यू होंगे। तो ये आपका एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, लेकिन बहुत छोटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ऑलिगोपेप्टाइड चेन है। ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो आइनोफोर का सर्कुलर फॉर्म है ये आपका कितना, इसमें आपके 12 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे। ये ट्रांसपोर्टर की तरह तो काम करता है, साथ ही साथ ये आपका एक पोटेंट एंटीबायोटिक के जैसे भी काम करता है, एंटीवायरल के जैसे भी ये काम करता है। पोटेशियम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है, अगर आप वेलिनोमाइसिन की बात करें तो ये पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो आपकी माइक्रोबियल स्पीशीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज, इसके थ्रू भी इसको आइसोलेट किया जाता है। और अगर आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन रेट की बात करें तो ये पोटेशियम को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब 10,000 फोल्ड इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होती है फॉर द पोटेशियम। और सम टाइम ये सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए वेलिनोमाइसिन की जब बात होती है ट्रांसपोर्टेशन की तो लिखा जाता है कि वो पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसकी सोडियम के साथ भी एफिनिटी होती है, लेकिन सोडियम से कम 10,000 फोल्ड ज्यादा एफिनिटी है पोटेशियम की। तो अगर आपको सोडियम एंड पोटेशियम ऑप्शन में दिया है तो डेफिनेटली आपको पोटेशियम ऑप्ट करना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पोटेशियम नहीं है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और सोडियम दिया है, तो आप सोडियम भी चूज कर सकते हैं अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है वेलिनोमाइसिन का, तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, बस ये इसका फॉर्मूला है। और अगर आप मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 1000 ग्राम पर मोल जो है इसका मॉलिकुलर वेट है। तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि वेलिनोमाइसिन में कितने अमाइनो एसिड, 12 अमाइनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होंगे, ये आइसोलेट कहाँ से किया जाता है और इसकी स्पेसिफिसिटी जो है सिलेक्टिविटी किसके लिए है। अब ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन है वेलिनोमाइसिन का, तो होगा क्या, ये जो आपका सेंटर में मॉलिक्यूल दिख रहा है दैट इज पोटेशियम, और इसी पोटेशियम के चारों तरफ क्या है, आपके वेलिनोमाइसिन जो है वो आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड कर लेता है, प्रॉपर शील्ड बना लेता है, और ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इनसाइड टू आउट, आउटसाइड टू इन। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है दैट इज ग्रामिसिडीन, ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था चैनल का फॉर्मेशन करेंगे, साथ ही साथ ये प्रोड्यूस होते हैं अगेन बैक्टीरिया से बैसिलस वेब्रिस। यहाँ पर आपके 12 अमाइनो एसिड होंगे और वहां पर आपके कितने थे वेलिनोमाइसिन में, 12, यहाँ पर 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वेलिनोमाइसिन में आपके 12 थे। ये मेम्ब्रेन में क्या चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, बस इनकी दो यूनिट्स होती हैं, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी, और ये सिंपली चैनल का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसी चैनल से जो है आपके जो आयंस रहेंगे सोडियम आयंस, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये जो चैनल है ये परमिट करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का, साथ ही साथ यूनिवेलेंट ट्रांसपोर्टेशन बट नॉट एनायन। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, तो ग्रामिसिडीन है वो चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है, अब ऑब्वियसली बात है चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये ज्यादा से ज्यादा जीवों का ट्रांसपोर्ट करे, इसीलिए ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है। यूनिवेलेंट कैटाइन कैसे होते हैं, जैसे जिनके ऊपर एक चार्ज होगा, इसको अभी सीधा ऐसे समझ लो, सोडियम है, पोटेशियम है, ये आपकी यूनिवेलेंट है। और बाइवेलेंट कौन सी होती है, बाइवेलेंट होते हैं जैसे आपके Mg2+ आयन, Mn2+ आयन, Zn2+ आयन, मतलब जिनके ऊपर टू वैलेंसी है, ठीक है। तो जो आपके मोनो यूनिवेलेंट कैटाइन, स्पेशली कैटाइन का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं नॉट एनायन। अगर मैं आपको कह दूं क्या ये क्लोरीन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ये भले ही आपका मोनोवेलेंट है
यूनिवेलेंट है लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, एनायन है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ग्रामिसिडीन जो डी है वो एक तरीके से मिक्स आयनोफोर है जिसमें ग्रामिसिडीन ए बी एंड सी प्रेजेंट होता है, ये भी आपका एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। साथ ही साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये आपके सोडियम और प्रोटॉन दोनों के दोनों यूनिवेलेंट कैटायन है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा ग्रामिसिडीन के अलावा एक और आपका आयनोफोर होता है मोमेंसिन, ये कैसा होता है, ये आपके सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब मेजर आपका वेलिनोमाइसिन है जो पोटेशियम के लिए, ग्रामिसिडीन है जो सोडियम एंड प्रोटॉन के लिए है, लेकिन मोमेंसिन एक अलग आयनोफोर है जो आपके सोडियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करता है। और ये अगेन स्ट्रक्चर है आपके, ग्रामिसिडीन का स्ट्रक्चर नहीं याद करना है आपको, तो कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे कि जो ग्रामिसिडीन है वो जब इनएक्टिवेट होता है, जब उसको नहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, इनएक्टिव होता है, तो उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं आपस में मिलके ये पूरा एक चैनल का फॉर्मेशन करता है। ये डिपेंड करता है कि आयन जो है, जैसे ये किसका सोडियम का इसको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, सोडियम का एच प्लस आयन का, ठीक है, तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी जरूरत होगी प्रॉपर एक सिग्नलिंग होगी, दोनों यूनिट को साथ में लाया जाएगा, एक चैनल का फॉर्मेशन होगा और फिर इनका मूवमेंट सोडियम का और प्रोटॉन का जो आपकी यूनिवेलेंट कैटायन है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब जरा इसको हम समराइज कर लेते हैं, आपको याद क्या रखना है, आयनोफोर में बस आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, वेलिनोमाइसिन है जो आपका मोबाइल आयन कैरियर है, ग्रामिसिडीन है जो आपका चैनल फॉर्मर है, ये आपका एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑलिगोपेप्टाइड है, 12 अमाइनो एसिड रेसिड्यू यहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर ग्रामिसिडीन की बात करें तो चैनल फॉर्मर होगा, ये अगेन आपका एंटीबायोटिक है, ये आपके मोस्टली मोनोवेलेंट कैटायन जैसे सोडियम है एच प्लस आयन इनको ट्रांसपोर्ट करता है, जो मैंने यहाँ नीचे भी लिख दिया है, ये भी आपका ऑलिगोपेप्टाइड है लेकिन यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बस ये भी आप टेबल याद कर लेंगे तो इतने से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, सीएसआईआर में भले कम आए हैं लेकिन दूसरे एग्जाम की बात करें तो इनसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा मैं एक आपको एक्सपेरिमेंटल केस बता देती हूँ, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के, जैसे कोई कोई क्वेश्चन रहता है 2009 का है 10 का है तो वो कई बार छूट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी बेसिक क्वेश्चन था इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं क्लास में ही सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये क्वेश्चन आपके पेरिफेरल और एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं उससे ये रिलेट करता है, तो अब मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग कितना रिवाइज करते हैं, तो आज एक तरीके से आपका टेस्ट है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, उससे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल केस के फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ कह क्या रहे हैं कि हमें ब्लड का एनालिसिस करना है, जो सैंपल है ब्लड सैंपल वो किसके थ्रू किससे आइसोलेट किया गया है, एक ऐसा पेशेंट है जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है, तो आपने सुना होगा हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में, ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया है और उसी का ब्लड जो है आइसोलेट किया गया है और फिर उसके अंदर कुछ जो प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन है एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उन्हीं के बारे में आगे स्टडी हुई है, तो ये पूरा आपका आरबीसी का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर काफी सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जरा मुझे फटाफट बता दीजिए कि ग्लाइकोफोरिन काय का एग्जाम्पल है, एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बैंड 4.1 क्या है, बैंड 4.9 क्या है, बैंड 3 जो है वो काय का एग्जाम्पल है,
एनफायरिंग आपके कौन से प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन आपके कौन से प्रोटीन है। चलिए, तो जो आपका स्पेक्ट्रिन होता है वो है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, एनफायरिंग भी आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, जो आपके बैंड टी है, ग्लाइकोफोरिन है, वो है आपके एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो जब मैं आपको स्पेक्ट्रिन के बारे में पढ़ा रही थी, एनकायरिंग के बारे में पढ़ा रही थी, स्पेक्ट्रिन का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें अल्फा बीटा डाइमर थे और आपस में ये टेट्रामर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप आरबीसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन में जो आपका स्पेक्ट्रिन है जिसमें अल्फा एंड बीटा चेन है, ये पूरी चेन आपको यहाँ से दिख रही होगी, यही आपके आरबीसी के शेप को डिफाइन करता है कि आरबीसी का जो शेप है वो कैसे मेंटेन होगा, और इसी से अटैच्ड होते हैं आपके साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन भी स्ट्रक्चरल के लिए आपके मेजर रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो आपका स्पेक्ट्रिन है वो भी आपका मेजर हीरो है। तो अगर आपको यही चीज इतनी ही पता थी कि स्ट्रक्चरल रोल के लिए आपके एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं, जो मेजर रोल प्ले करते हैं दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, उसमें भी आपका स्पेक्ट्रिन है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो वही चीज है कि जो पर्सन है उसको क्या हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया है मतलब उसकी जो आरबीसी है उसका शेप डिस्टर्ब हुआ है, और इसी को कहा जाता है स्पेरोसाइटोसिस या हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। अब होगा क्या कि जो आपका साइटोस्केलेटल है, जब आप स्पेरोसाइटोसिस हो जाता है तो जो साइटोस्केलेटल है वो आपकी लिपिड वाई लेयर मतलब यही पर जो आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है और आरबीसी की जो सेल्स है उनका शेप चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटल तो मेजर रोल प्ले करता ही है आपकी सेल इंटीग्रिटी में, लेकिन आपका जो प्रोटीन है दैट इज स्पेक्ट्रिन, यही अटैचमेंट या फिर बेस प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल टू मेंटेन द इंटरनल इंटीग्रिटी ऑफ द आरबीसी सेल। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 का, ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है ना अब आजकल पूछे नहीं जाते, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी आती, अगर आपने ज्यादा नहीं भी पढ़ा था तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन है, साइटोस्केलेटन जो है, कंसिस्ट ऑफ मैस वर्क ऑफ द प्रोटीन अंडरलाइन द मेम्ब्रेन। ये हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोस्केलेटल जो है उसका पूरा नेटवर्क एक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रिन, जिसके पास अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है और ये असेंबल होके बना लेता है टेट्रामर का फॉर्मेशन। साइटोस्केलेटल जो है वो एंकर्ड है आपके कौन सी, थ्रू द लिंकेज विद ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे बैंड थ्री एंड आपका ग्लाइकोफोरिन सी। साइटोसोल इज डोमेन ऑफ द बैंड थ्री, ऑल्सो सर्व फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड, टी फॉस्फेट, डी हाइड्रोजनेस। अब हमें एनालिसिस करनी है द ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट विद हीमोलाइटिक एनीमिया जिसमें स्फेरिकल शेप्ड चेंज हुआ है। तो बाकी पूरी कहानी है कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन साइटोस्केलेटल से अटैच होता है, हमने बिल्कुल माना कि साइटोस्केलेटल से अटैच होता है, साथ ही साथ हमने ये भी माना कि अच्छा ठीक है जो हमारे एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनका जो सी टर्मिनल है वो ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फो डीहाइड्रोजिनेज के लिए बाइंडिंग साइट भी देता है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है, लास्ट में क्वेश्चन रिलेटेड है आपकी आरबीसी के शेप से, आपकी आरबीसी के स्फेरिकल शेप से। तो जब स्ट्रक्चरल की बात आ गई तो ऑब्वियसली बात है हमने पहले ही लिख दिया कि प्रिंसिपल कंपोनेंट है स्पेक्ट्रिन, तो हमें वो ही आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन में क्या है कि म्यूटेशन इन ग्लाइकोफोरिन सी।
अगर ग्लाइकोफोरिन सी में कोई म्यूटेशन भी हुआ तो होगा क्या कि साइटोस्केलेटल जो है, जो आपका पूरा शेप के लिए स्पेक्ट्रिन से बाइंड करेगा, उसमें अफेक्ट होगा, ना कि स्पेक्ट्रिन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर स्पेक्ट्रिन में ही म्यूटेशन हो जाए और ये इंक्रीज कर दे टेट्रामेराइजेशन प्रोपेंसिटी को, तो आप मुझे ये बताइए अगर टेट्रामेराइजेशन इंक्रीज होता जाएगा तो स्पेक्ट्रिन और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है। थर्ड क्या है, अगर म्यूटेंट हो जाए आपके बीटा स्पेक्ट्रिन में तो जो अल्फा एंड बीटा डाइमेराइजेशन है उसकी एबिलिटी डिफेक्टिव हो जाएगी। तो यही ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर म्यूटेंट हो जाए ग्लिसरेलिया 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजनेज में तो जो आपका ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल थी ये वहां इस्तेमाल होता है, तो हमें उससे क्या ही मतलब है। शेप की बात हो रही है तो हम पूरा स्पेक्ट्रिन मतलब पेरिफेरल प्रोटीन को पढ़ेंगे, उसमें भी हमें देखना है कि अल्फा और बीटा अगर डाइमर में डिफेक्ट होगा तब जाके आपकी जो आरबीसी है वो स्फेरिकल शेप में हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएंगे उसका स्विच। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर था। एक और कैंडिडेट था जिसने मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 2013 में था ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोग, मुझे नहीं पता कि शायद आप लोगों को डर लग जाता है ऐसे क्वेश्चन से कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन है ना, अभी जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को लगेगा अच्छा बस इतनी ही बात थी इसमें। तो चलिए एक बार जरा इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं सीधा इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। चलिए तो बच्चे कह रहे हैं कि M3 होगा, बिल्कुल आंसर करेक्ट है, M3 होगा, लेकिन कैसे होगा जरा देखते हैं। इसमें देखो फ्रेप टेक्निक की बात करी गई है, साथ ही साथ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात करी गई है ऑफ 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम है M1 M2 एंड M3। तो आपको करना क्या है, अगर आपके नहीं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते आते तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनको ड्रॉ करना सीखो। कैसे, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन है, 3 है, M1 M2 एंड M3। अब वो M1 एंड M2 है और इनका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट अपन को दिया गया है, क्या क्या है, पहले का है 1 micromole, micrometer होना चाहिए पर सेकेंड, वही पर क्योंकि मोल होता तो कैपिटल M होता, हाँ जी 0.005 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट क्या है, 0.005 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दिया है। तो जब मैं आपको फ्रेप टेक्निक बता रही थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज हुआ है, जितना ज्यादा एक्सचेंज हुआ है मतलब जो साइज है वो उतनी छोटी होगी। कल भी जब मैं आपको डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बता रही थी तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जैसे मैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को DC लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म, ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी डिफ्यूजन रेट के, मतलब अगर मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज कर रहा है एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी साइज के। अगर आप मॉलिक्यूल की प्रोटीन की जितनी ज्यादा साइज बढ़ा दे तो उसकी डिफ्यूजन रेट उतनी ही कम हो जाएगी, साथ ही साथ आप अगर वो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, उसमें रोटेशन ज्यादा है, उसमें टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो डिफ्यूजन रेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये फिनोमिना हमें समझ में आ गया। आगे अब बात क्या कही है, बात कह रहे हैं जैसे अगर आप फ्लूइड मोजाइक नेचर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कंसीडर करें एंड द रिलेशनशिप ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद अ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, तो कौन सा ऐसा होगा प्रोटीन जिसका
हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन होगा। मतलब ये सारे के सारे आपके ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि M1, M2 एंड M3 में हाईएस्ट नंबर, मतलब ये जो डोमेन है, जैसे आप मान लीजिए M1 जो है आपका 2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है कुछ इस तरीके से, वहीं पर अगर आप M2 की बात कर लें तो 6 मान लीजिए, अगर आप M3 की बात कर लें तो इसको आप 8 मान लीजिए, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनके नंबर ऑफ पास बढ़ा रहे हैं तो इनकी साइज भी तो बढ़ रही है, अगर आपने इनका नंबर ऑफ पास बढ़ा दिया तो इनकी साइज भी बढ़ गई है, तो जब इनकी साइज बढ़ रही है तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा साइज बढ़ेगी उतना ही कम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा। और क्वेश्चन में हमसे वो पूछा गया है कि एक ऐसा प्रोटीन आप बताइए जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन हो, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी साइज हो, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी सबसे बड़ा साइज होगा उस पर सबसे कम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, अच्छा M3 है, M3 का सबसे कम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, मतलब इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद M2 का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, मतलब इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू M3, M1 का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट काफी ज्यादा है, मतलब इसकी साइज एकदम छोटी है। तो ये जो है आप इसको डिफ्यूजन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको एक ये वाली स्लाइड भी मेंशन करी थी जब मैं प्रेप एनालिसिस बता रही थी, कि जो आपकी रिकवरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, मोर्टिलिटी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, इमोबाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा मैच करना था, मैचिंग के अलावा और कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो डरना नहीं है, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लीजिए उसको, एक एक चीज को ड्रॉ कर लीजिए जो पूछा गया है, जितनी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है सीधा पेन कॉपी में जब आपके पास एक डायग्राम होगा आप ऑटोमेटिकली मैच कर लेंगे। ऑल्दो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वाकई में बहुत टफ होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है, केवल बुद्धि परीक्षण है, जो एग्जामिनर है वो आपका दिमाग देखना चाहता है कि आप कितने एफिशिएंटली चीजें कर पा रहे हैं। तो इनको करने से पहले कुछ नहीं, पेन कॉपी लेके बस ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके सारे एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में होते हैं, सारे ऑप्शंस आपके समझ में आ जाते हैं। तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन को ड्रॉ करने की आदत डालिए, ठीक है। अब एक और ये क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने मुझे ये मैसेज किया था, जरा इसका भी आंसर फटाफट बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो आपके मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं इनमें क्या है, 7 अल्फा हेलिकल, ठीक है, मतलब ये किसकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या बात हो रही है, अल्फा हेलिकल जो रहेंगे जिसके पास आपके 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या किया गया है कि जो मेम्ब्रेन है उसको ट्रीट किया गया है विद प्रोटीएज, तो जो आपका मेजर पोर्शन था वो अभी भी प्रोटीन में एज इट इज इंटैक्ट, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन में कैसा हुआ है कि ये इंटैक्ट हुए हैं, और यहाँ पर आपने जब प्रोटीएजेस का इस्तेमाल करा है अगेन ये आपके इंटैक्ट थे। फिर आपने दूसरा ट्रीटमेंट क्या दिया कि सॉल्ट को सॉल्ट से ट्रीटमेंट किया है, प्लस में आपका जो पीएच है उससे भी आपने ट्रीट किया है, लेकिन आपको क्या हुआ कि डिसोसिएशन आप नहीं कर पाए, ये स्टिल जो है वो एसोसिएटेड ही थे। तो क्या है स्टोरी कि कोई ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके पास 7 हेलिकल या अल्फा हेलिक्स डोमेन प्रेजेंट था, अब अल्फा हेलिकल है तो आप समझ गए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जब हमने प्रोटीएजेस का इस्तेमाल किया
तो जब मैंने आपको लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंटल केस समझाया था, तब मैंने बताया था अगर कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन है और आप प्रोटीएज का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपका एन टर्मिनल है, एन सी टर्मिनल है, इसको आप क्लिप कर लेंगे, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन आपका हाइड्रोफोबिक पोर्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इंटैक्ट है, तो इसको आप कभी क्लीव नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटैक्ट है, तो नहीं क्लीव हो पाया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, पीएच को भी डिस्टर्ब करा, स्टिल जो है प्रोटीन इंटैक्ट रहा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जरा बताइए कि ये कौन से प्रोटीन होंगे, तो क्या ये पेरिफेरल प्रोटीन होगा? अगर ये पेरिफेरल प्रोटीन बाई चांस होता तो जब आपने सॉल्ट एंड पीएच से ट्रीट किया था तो ये इजीली आइसोलेट हो जाते, क्योंकि हमने प्रोटीन आइसोलेशन में ये पढ़ा था कि सॉल्ट एंड पीएच का ट्रीटमेंट इनको क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है। वहीं पर अगर आप एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें कि ये एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो हाँ जी ये बिल्कुल एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि सॉल्ट से आपने जब ट्रीट करा, पीएच से ट्रीट करा, तो ये क्या आपके डिसोसिएट नहीं हुए, ये रिमेन आपके हाइड्रोफोबिक रीजन में थे। अगर हमें इनको कट करना था, डिसोसिएट करना था, तो हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने डिटर्जेंट तो किया नहीं, सॉल्ट किया था, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारे एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन अगेन ऑप्शन में आ गया, तो ये वैसे भी गलत हो गया कि पेरिफेरल प्रोटीन में जो बोथ एंड एंड सी टर्मिनल होते हैं रिमेन एक्सपोज टू द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो भाई ये है ही नहीं पेरिफेरल प्रोटीन, तो जहां पर भी ऑप्शन ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। देन पेरिफेरल प्रोटीन लास्ट में आपके डी ऑप्शन में भी है। इस तरीके से सॉल्ट में केवल और केवल आपके पेरिफेरल प्रोटीन सेपरेट हो जाते, इंटीग्रल नहीं होते, और यहाँ पर वो स्टोरी थी। जो आपका आंसर है वो आंसर सी नहीं, डी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, आपकी हर परेशानी का समाधान हम पूरा करवाएंगे, आपका हर वो मुकाम। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्सेज फॉर सीएसआईआर 2024, मिलेगा आपको यहाँ सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर, पीडीएफ नोट, वन टू वन डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट और डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज कोड वेट20 फॉर 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।